अनुष्का शर्मा के हाथ लगा नया प्रोजेक्ट। जीरो के फ्लॉप होने के बाद खाकी वर्दी में आई नजर, देखें पहली तस्वीर। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। जीरो 2018 में रिलीज हुई थी। इसके बाद बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने बड़े पर्दे से अचानक दूरी बना ली थी। इसके बाद भले ही अनुष्का शर्मा का नाम कई फिल्मों के साथ जुड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी इसको लेकर किसी भी तरह की हामी नहीं भरी। दर्शक इस खबर को लेकर हमेशा ही बेताब दिखाई दिए कि अनुष्का शर्मा जल्द ही बेहतरीन किरदार के साथ बड़े पर्दे पर धमाकेदार शुरुआत करेगी। लेकिन अब उनकी वापसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार अनुष्का शर्मा भले ही बहुत जल्दी वापसी करने के लिए तैयार हो, लेकिन किसी फिल्म या वेब सीरीज के जरिए नहीं, बल्कि एक टीवी कमर्शियल फिल्म द्वारा वो वापसी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अनुष्का शर्मा एक एडवर्टाइजमेंट में पुलिस वर्दी में नजर आएंगी। इसमें वो एक घर में छापा मारेंगी। ये एक बेहद ही मजेदार एडवर्टाइजमेंट होगा। इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए अनुष्का शर्मा ने अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए लाजवाब उदाहरण दिया है। वैसे ये पहली बार होगा जब अनुष्का शर्मा पुलिस की वर्दी में दिखाई देंगी। सोशल मीडिया पर उनका ये लुक काफी पसंद किया जा रहा है। इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में खाकी वर्दी में बहुत ही जल्द रानी मुखर्जी दिखाई देने वाली है। साथ ही करीना कपूर खान भी फिल्म अंग्रेजी मीडियम में पुलिस अफसर का किरदार निभाती नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज़, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।